राज्य में शिफ्ट हुआ तो नहीं दिखा, पीजी में जी नहीं लग रहा था तो माँ बाप का तब भाई जी दुखी हो जाए जो बचानू कह दे मेरा जी ना लग रहा, बचानू कह दे भाई मैं पढ़ाई में लेट होने लग रहा हूँ। अरे यार तुम्हारा नया घर दिखा है, दिखाऊंगा ना कौन सा है, फिर तो सारा सस्पेंस खुल जाएगा। राम राम जी सर ने आप सबका पवार फैमिली व्लॉग्स में स्वागत है और एक नए व्लॉग के साथ हम फिर आ गए। हाँ आई होप आप सब ठीक हो गए, हम भी बढ़िया हैं। और के हाल चाल आप सारा के कमेंट करके बता दो। और भाई आपने पता है कि भाई हम 6 महीने पहले ग्यारह रोहतक में शिफ्ट हुए थे जस्ट बिकॉज पढ़ाई की उस तरह, बिकॉज भाई उड़े तय प्रॉपर नहीं होने पा रहा था दिल्ली का, मतलब मैं पी जी में रहूँ थी और सब कुछ प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रहा था। फिर निशांत के भी ट्यूशन लड़ गए थे, ट्यूशन वाली दिक्कत हो जाती। हाँ तो फिर हम आगे थे रोहतक और भाई ईब हम दूसरा घर चेंज करे हैं। जैसे कि भाई आप सब ने पता है हम रोहतक आए, हमने 6 महीने हो गए और 6 महीने से हम ये मकान में थे जो किराए पर रहते थे और गांव में हमारा खुद का मकान था, काफ़ी बड़ा मकान हम जब छोड़ कर आए थे। जो हमारे रेगुलर व्लॉग देखा है उन्हें सब ने पता भाई जिस टाइम हम छोड़ कर चले थे हम रोए भी थे अपना मकान। और भाई कारण ये था कि बच्चे की पढ़ाई की वजह से हमने अपना खुद का मकान छोड़ना पड़ा। अरे एडजस्ट हुए हमने 6 महीने हो गए हैं और इसमें थोड़ा ही भाई हम चाहे हैं अपना और मकान हमने देखा है उसमें शिफ्ट होना चाहे हैं। और ये मकान हम क्यों छोड़ रहे हैं इसका भी कारण बताऊंगे आप सब ने, और इस मकान का होम टूर भी करवाऊंगे। पहले जो शुरू में जब हम शिफ्ट हुए थे आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि अपना होम टूर करवाओ, तो हम करवा नहीं पाए क्योंकि एक बार जो शिफ्टिंग में सामान उन्होंने में इतना फजल सा दिमाग हो जाए है कहीं दिन तो लगातार व्लॉग भी नहीं डाले थे हमने। और अब हम सोच रहे हैं नए मकान में कल ही शिफ्ट हुए या परसों शिफ्ट हुए उसका नए का भी हम व्लॉग बनाएंगे, नए मकान में किस तरह से एडजस्ट करेंगे, किस तरह डेकोरेट करेंगे वो भी आपने दिखाएंगे। और आज करवाऊंगे इस पुराने मकान का होम टूर, तो निधि के साथ बने रहो देखो होम टूर। भाई यो देखो यो पूरी है, मतलब बरामदा सा होया कर जिस तरीके से छत को होया कर वो, और ये हमारा चूल्हा दर यार, ये मेरी मम्मी ने धोया था मैट बिकॉज नए घर में जावांगे तो ये घना मैला हो रहा था तो ये बुना लग गए तो मेरी मम्मी ने धो दिया है। मेरी मम्मी घनी कमे रीस है मम्मी। और ये पूरी छत है, बाकी काफी बड़ी है छत, हमारा चूल्हा भी रखा था इस पर ही रखा। जो वायरल वीडियो हुई थी चूल्हे की वो फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट पहली बार जिस दिन मैंने चूल्हा रखा था उस दिन मैंने एक वीडियो डाली थी निधि मेरी आवाज में, वो वायरल हुई यूट्यूब पे भी, फेसबुक पहली वही वीडियो थी ना आवाज हाँ, की हाँ मौज पे भी और इंस्टाग्राम पे भी चारों जगह उसने तहलका मचाया। हाँ सारे मतलब सारे प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो बढ़िया चल रही है, बढ़िया व्यूज लेकर। चलो अम्मी बंदर चलेंगे उसके खातर सब ने बहुत बहुत थैंक यू। और ये मकान है हमारा और नया जो लिया है ना भाई वो भी दिखावांगे, वो भी आड़े किते है पास में पड़ा है। यो भाई अंदर आते एक रूम यो है और ऊपर जिन्ना जावे है और यह हमारी रसोई है, ये फ्रिज हमारा बाहर है, बाहर रख रखे है भाई। अंदर रसोई तो छोटी सी है तो स्पेस कमरा वे था तो हमने बाहर रख दिया, और जिसमें हमारी सारी आवाज की वीडियो बनावे है, हम मम्मी के बनाया ये हमारी वहां रसोई है। हाँ ये एक बार हमने बिछाए थे क्योंकि ये पुरानी ही तरह की है, बाकी गांव में तो मेरे बॉक्स थे रसोई में बड़े बड़े बॉक्स थे और इस तरह का लेंटर नहीं था, फिर मैंने आके यहाँ अखबार बचाए थे भाई, मैं सोचा था कवर फिर ले आऊंगी फिर मैं लेने नहीं पाई। मेरा भाई की बात हुई थी जब हम मतलब रोहतक आए थे ना तो हमने जल्दी जल्दी में घर देखा था, जस्ट एक ही घर देखा था और उसे में एडजस्ट हो गए थे बिकॉज हमने घना तगाजा था तो उस वजह से हमने यो ये घर देखा। उस तगाजे का भी कारण ये था भाई कनागत लग गए थे, कनागता था पहले कनागता में कासन बर्तन नए घर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, फिर 15 दिन के कनागत लागे थे। नून तो निशांत की कोचिंग ने लेट हुआ था और हमने तगाजे में शिफ्ट हुआ, नून तो नहीं दिखा पीजी में जी नहीं लग रहा था तो माँ बाप का तब भाई जी दुखी हो जाए जो बचानू कह दे मेरा जी ना लग रहा, बचानू कह दे भाई मैं पढ़ाई में लेट होने लग रहा हूँ, तो हमने सपीटते घर देखा जो पहला ही देखा वो उससे में रख कर हमने बर्तन रखा, यो हमें थोड़ा ठीक लगा फिर हमने सोची की रख लो और फिर मतलब घर में रहने लग जाना पाछे उसकी बेरा लग है के कमी है के कुछ है। हाँ भाई जुकर भाई हम 4 जने तो हम हो गए नहीं, दादी भी आ जावा गाँव में भी आ जावा कोई ना कोई, मेरे भी पीड़ता आ जा कोई ना कोई, तो थोड़ा हा भाई बड़े घर में तो
आया पाछा छोटे घर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए। वुमन ने भी मतलब प्रॉपर तरीके से सामान भी कहती ठुस 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 शुरू में जब माई बहुत कम सामान लेकर आई थी, मैं स्त्री कह मुँह थी मैं भाई कम में सामान लेकर चलूंगी, मैं सिर्फ बच्चों ने पढ़ाने जाऊँ ना कि कुछ और। सारा सामान मैं काम में छोड़ाई थी, जो मेन मेन चीज है ना रोजमर्रा की जो काम आऊंगी वे चीज लेकर चली थी। पर जो काम घर गांव में सामान खराब हो जाता मैं उस सामान बिना आड़ा दुखी रहती। हम तो जब धीरे धीरे करके जब भी गांव के चक्कर लागते ना वह सामान आता फिर आड़ा सारा लाद दिया वो क्योंकि छोटी और बड़ी चीजें की चाहना हो सारी चीजा की जरूरत। फिर घर बना हो तो आदमी एडजस्ट भी कर ले, गांव में वह चीज खराब होती रहे आराम में आड़ा उस बना दुखी होती रहे। तो मैं तो जब भी गांव में जाती चलियो बिले चल चलियो बिले चल चलियो आड़ा पड़े ना चलियो आड़ा है करना चलो सारा सामान ले चला। ये भाई यो एक यो दिखावा इसमें जो सामने ये दो खाट गाल रखी हैं, इसमें दो खाट है। निशांत भी पढ़ ले, निशांत का पापा भी आड़ रह रहा है, ये तकरीबन निशांत का पापा इसी कमरे में रहा कर भाई खाट नु गाल रखे ला दो बेड भी सका दे। फिर मेरे मम्मी ने मेरे पापा ने खाट बना नींद नहीं आती। अरे मैंने पहले कह दिया कि हम दूसरे घर में खाट नहीं लेके जाओगे, बेड पे सोने की आदत घेर लो। बिल्कुल भाई देखो कि मतलब एक बेड होता तो सुथरा लगे एक खाट बच्चे नु कम है हमने खाट अच्छी नहीं लगती। देखो सब कमेंट करके बताइयो, बच्चे भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं बड़े भी अभी हम है हम मेरे तो मेरे कमर में टीका लग गया था मतलब ऑपरेशन हुआ था जब तक पाछ है मैं खाट पे सो और मैंने खाट पे नींद आवा है। और नीति के पापा तो बचपन से खाट पे सो रहे हैं तो पापा ने भी खाट पे नींद आवा है। पर तो हम स्पेशल दो खाट अपने खातर लेकर आए थे, बच्चे एक नु का मम्मी बेड पर सोने की आदत गिर लो हमने खाट घर में अच्छी नहीं लगती ना लगती भाई आप देख लो ना लगती ना लगती। तो यो एडजस्ट एक मेरे हालांकि दो बेड है गांव में मेरे पास, एक कमूड़े छोड़कर है एक मैं आड़ा ले आई वो नू ले आई भी तो खाट ले जानी है छोटे छोटे कमरे में खाट गाल लेंगे एक बेड गाल लेंगे बेड गाल दिया तो खाट नहीं गलर खाट गाल दिया बेड नहीं गल इतना ही रूम होगा भाई। तो मैं स्पेशल हम पढ़ाई के उस तो आए थे भाई हम पढ़ाई करवाएंगे बालका की ना कि कोई अपना वो नहीं आता। ये थोड़ा थोड़ा रहते रहे है चीजा की चाहना होती रहे है। दूसरा कमरा है जिसमें बेड है और ये ऊपर का भी टूर करवाऊंगा। ये जीना है ऊपर जो सीधा ऊपरली छत पे अंदर ही है यू ना कि बाहर है। अंदर अंदर ही है अलमारी तो चौकी बड़ी है उड़े भी राड़े भी और ये जो उसमें मतलब एक तो फायदा है इस घर का कि इसमें वेंटिलेशन प्रॉपर है और से कुछ हो ना हो पर वेंटिलेशन मतलब हवा का पूरा वो है सही झंकी है। अरे भाई यो मारे वे हैं जो ही हम एडजस्ट कराए ना तो हमने कुछ सामान बाहर निकाल दिया है। था बेड में गेरा है कौन था काटा की मतलब बेड में ना गेरा क्योंकि हमारी चल रही महीने तो तैयारी चल रही भी मकान हमने देख रखा था मकान है नया मतलब चढ़ाई उसमें आज ही भी चल रही है सीसी लागने रह रहे हैं। हाँ वैसे से जो वर्कर लकड़ते लकड़ते उन फिर 10 दिन लगा दिए इसलिए मैंने रखे ही मैं 10 दिन बेड में रखूंगी फिर काट दूंगी। तो मेरे ये जो रजाई कम्बल है ये पड़े हैं मेरे इस पे भैया अपने घर में तो एडजस्ट हो जाए किराए पे थोड़ा दिक्कत हो है। तो यो निधि का बेड है यार निधि पड़ा कर अपना जो सोया भी अच्छा। अरे मेरी मम्मी की सिलाई मशीन है मेरी सिलाई मशीन है और मम्मी लाग रही है बनाई एक सूट सीमन सूट सीमन लाग रही हूँ फिर मैंने आदम छोड़ दिए यो कुछ रह रहा कुछ सीम दिया ये बनाए हैं भाई। आज दिन में मेरी मम्मी मेरे तनु कह रही थी कि छोरी की आज रात की रोटी तू बनाओगी दी क्योंकि सुबह आला खाना बनाना फिर कपड़े धोने नहाने में 1 बजे फिर 1 बजे के बाद मैं सिलाई धरूं सिलाई मैंने 2 घंटे कर दे फिर बीच में चाय भी बनानी पड़ जाए और कुछ भी काम हो जाए कि हम खाना दे दी मम्मी फलाना टकड़ा मकड़ा फिर मैंने खुद सांझ की रोटी भी बनी दी तू बनाइए और मैं सिलाई करूंगी। तो ये मैंने जाती आड़न ये छोड़ रखी मैं कर दूंगी बाकी मैंने लागता को नहीं बंधेरा हो गया ज्यादा अंधेरे में सिलाई करूँ ना मेरे सर में दर्द हो जाए करनी भी ना चाहिए रात में। हाँ सुबह जितना जल्दी हो सके ना उतना तो काम निपटा कर फिर सांझ का टाइम हो रहा है और हम उड़े गए थे देख ये देखो भाई 6:25 हो रहे हैं हम देख है उस मकान ने तो उसने कहा भाई आप चाहो तो बस शीशे शीशे लागने रह रहे हो सारी फिनिश होगी साफ सफाई होगी सब क्यों क्योंकि शीशे आड़ा फोन नहीं उठा रहा इसलिए हम लेट हो गए और ना तो शीशे लाग जाते तो हम कल ले धरेंगे लग जाएंगे तो ना लागेंगे जब भी कोशिश रहेगी कल सामान धर जाएंगे। हाँ
बिकॉज कल भाई है संडे और हम भी घर आए सारे। मैं लोग रही हूँ, बच्चे घर पे है, मेरी हेल्प हो जाएगी। अरे हूँ भी होली के बाद कई दिन हो गए ना स्कूल को ले जान जाए। अरे सोमवार की मैं छुट्टी मरवाऊंगी, मेरा जी दुखेगा बच्चे की छुट्टी मरवा दी। फिर ईव तो संडे वाले दिन काम बन जाएगा तो बढ़िया। फिर तो मैं एक लिए अलमारी हम चचा दूंगी, रसोई में चचा भाई ई चलेंगे ऊपर, ऊपर दिखाऊंगी ऊपर के हर के ना है। आ जाओ पतला सा जीना हमारा आ रहा है मजा। ई थी तुम्हारा सारा इस लोग में इतना है। और नेक्स्ट लोग में हम अपना नया घर दिखाओगे, पूरी शिफ्टिंग दिखाओगे किस तरीके से शिफ्टिंग हुई है, सामान क्यों कराया, क्यों कर पैकिंग करी है, वो सारा दिखाओगे। अपना नया घर दिखाओगे किस में शिफ्ट हो यहाँ। तो जल्दी नेक्स्ट व्लॉग आओगा। और अच्छा लगे व्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय टाटा।